वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको करेले की सब्जी बनाना बताऊंगी। हम करेले किस तरह से बनाते हैं, आइए फ्रेंड्स इन करेलों को हम छील लेते हैं पीलर की सहायता से। एक इसमें कट लगाकर, फ्रेंड्स इसमें कट लगा लिया है हमने, देखिए। अगर इसके बीज हल्के हल्के हैं, बीज अगर लाल बीज हैं तो हम निकाल देंगे, बाकी अगर अदरवाइज अगर छोटे छोटे बीज हैं तो हम इसको नहीं निकालेंगे। और इसमें हम नमक लगाकर, इस करेले में हम नमक लगाकर इसी तरह हम सारे करेले छीन लेंगे और कट लगाकर अपना रख लेंगे। इसमें अंदर नमक लगाएंगे और बाहर नमक अच्छे से टुकड़ाकर इसको हम रख देंगे। नमक लगाने से हमारा ऐसा कड़वा पानी सारा निकल जाता है करेले का और ये करेले हमारे कड़वे बिल्कुल नहीं बनते हैं। इसे कट लगाकर, अगर हमारे करेले में कोई भी लाल बीज है तो हम, जैसे हमारे करेले में ये बीज पका हुआ है तो इस बीज को हम निकाल देंगे। फ्रेंड्स इस ये बीज टेस्ट खाने में बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, तो इस बीज को हम निकाल देते हैं और इसको नमक लगा के अंदर भी नमक डाल देते हैं और बाहर भी नमक अच्छे से लपेट के इसको रख देते हैं। इस तरह से हम अपने सभी करेले बनाकर काट के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे करेले सारे छिल गए हैं, इसे हमने काट कर चीरा लगाकर और नमक लगाकर ये रख दिया है। इसके छिलके में भी हमने नमक लगाकर रख दिया है। इसके जो बीज पके हुए थे वो हमने सब निकाल दिए हैं। इसे हम 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं जिससे हमारा इसका कड़वा पानी सब निकल जाएगा, फिर हम करेले बनाएंगे। फ्रेंड्स हमारे ये करेले हमने पानी में धो के अब इसे अच्छे से निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं पानी में, हमें 3-4 पानी में धो के इसे निचोड़ लिए हैं। इसे बिल्कुल निचोड़ के इसका पानी निकाल दिया है, इसका कड़वा पानी सारा निकल गया है और हमने इसको निचोड़ लिया है। फ्रेंड्स इसके साथ ही हमने इसको भी निचोड़ लिया है खूब 4-5 पानी में धो के, इसका छिलके को भी, ये छिलका भी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स हमने सब पानी करेले को निचोड़ निचोड़ के रख लिया है। आइए फ्रेंड्स इसका मसाला बनाते हैं। ये हमने कुछ प्याज बारीक बारीक काट के रख ली है, इसमें हम डाल देंगे ये हमने हरी आमी डाली है, थोड़ी हम आमी डालेंगे और थोड़ी फ्रेंड्स इसमें हम अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी हमने आमी डाली है। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच, 2 चम्मच धनिया डाला है, 1 स्पून हमने हल्दी डाली है और 2 स्पून इसमें हमने सौंफ पाउडर डाला है, जो बहुत ज़रूरी है सौंफ पाउडर डालना। सौंफ पाउडर डालने से फ्रेंड्स बहुत टेस्ट आता है। और 1 स्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है, नमक हम करेले के हिसाब से और थोड़ा मसाले के हिसाब से डालेंगे और अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से मिलाकर, ये मसाला भी जो हमने छिलका रखा था ये छिलका भी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं, इसे ये कड़वे नहीं होते हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं जो मसाला हमें ज़्यादा कम चाहिए तो हम और डाल सकते हैं। थोड़ी सी सॉफ्ट पाउडर और मिला देते हैं। फ्रेंड्स हमारा ये मसाला तैयार हो गया है, इसे हम भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही भर देंगे। दबा दबा कर हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से दबा दबा कर इसको ऐसे भर भर के हम दोनों साइड से रख लेते हैं। ऐसे हम सभी अपने करेलों को भर देते हैं। हमने अपने सब करेले भरकर तैयार कर लिए हैं। ये हमने 1/2 किलो करेले लिए थे तो हमने बनाए हैं ये। ये करेले हमारे सभी भरकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स इन करेलों को हम धागे की सहायता से 2-3 बार लपेट देंगे जिससे हमारा मसाला ये ना निकले।
इस तरह हम सभी करेलों को लपेट देंगे। ये करेले हमने सभी बांध कर तैयार कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब एक हम एक कुकर लेंगे, उसमें ये जाली लगा कर कुकर की हम आधी कटोरी पानी डाल देंगे। हम इसे अपने करेलों को एक एक करके रख देंगे, यह हम सीधा सीधा ही रखेंगे जिससे हमारे मसाला नीचे ना जाए। फ्रेंड्स हमने सभी करेले रख दिए हैं। करेले रखने के बाद हम इसमें एक सीटी लगाएंगे जिससे हमारे करेले पक जाएं और हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। ये झटपट बनने वाले करेले हैं। एक सीटी लगाने के बाद इसे हम खुद अपने आप से ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। एक फ्राई पैन रखकर हम अपना मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं और इसे पकने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स ये करेले भिंडी तो मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छे लगते हैं। हमने अपना कुकर खोल लिया है, आप देख सकते हैं इसे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए हम इसे इसकी चिमटे की सहायता से देखिए फ्रेंड्स, ये करेले हमारे गल चुके हैं। फ्रेंड्स ये स्टीम में ही गलाए हैं हमने, हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं लगाया है। पानी लगने से करेले कड़वे हो जाते हैं। हमने सभी करेले, तेल हमारा पक गया है, गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। गैस की फ्लेम लो करके हम ये करेले अपनी भून लेंगे। हम लो फ्लेम में ही इसको भूनेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम थोड़े थोड़े ही करेले इसको भून लेते हैं। हमने इसके धागे अभी नहीं खोले हैं, ये हमारे करेले बिल्कुल गल चुके हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल गले पर करेले हैं, तो हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे थोड़ी देर में भून के हमारे करेले बढ़िया हो जाएंगे और करेले भी हम अपने साइड में लगा देते हैं। इसमें हम फ्रेंड्स बहुत थोड़ा ऑयल लगता है, ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो कम ऑयल खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करें तो आप इसे बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें कि ये करेले आपको कैसे लगे हैं। फ्रेंड्स ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, आप देख सकते हैं हमारे करेले लगभग भून के तैयार हो गए हैं। उलट पुलट के हम इन्हें बार बार भून लेंगे। ये बहुत कम ऑयल के करेले हैं फ्रेंड्स। हमने इनके धागे भी नहीं खोलेंगे, इनके धागे हम बाद में खोलकर एक साथ अपने भगोने में रख देते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे करेले बनकर तैयार हो गए हैं। हमने उलट पुलट के इन्हें खूब अच्छे से भून लिया है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ये मसाला जो था इसका बचा हुआ वो भी हमने अच्छे से अलग फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालकर भून लिया है। फ्रेंड्स इसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये मसाला हमारा खट्टा है तो ये भी हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देते हैं। फ्रेंड्स ये उभार लेते हैं। अब ये करेले अपने डोंगे में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बने हैं, ये बहुत कम ऑयल के बने हैं और झटपट बनने वाली रेसिपी है हमारी। वैसे अगर हम करेले हम डायरेक्ट हम कढ़ाई में चढ़ाएंगे तेल में तो उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा और वो गलने में बहुत टाइम लगते हैं। फ्रेंड्स ये करेले हमारे कुछ इस तरह से बन गए हैं, आप देख सकते हैं इन करेले को। और आपको अगर आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।